तो दोस्तों बिरयानी के साथ तो पुदीने की और दही की चटनी तो ज़रूर होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो भी डाल लेंगे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद फूडी। तो दोस्तों आज हम ट्राई करेंगे कमियाना वाले की स्टूडेंट बिरयानी, तो इनकी मेकिंग देख लेते हैं और इनसे बात करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अपना नेम बता दें। मेरा नाम अली अब्बास है। अली अब्बास भाई, तो कब से बिरयानी का स्टॉल लगाया हो यहाँ पे? मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए हैं इधर। जी, तो आइडिया कैसे आया यहाँ पे स्टॉल लगाने का बिरयानी का? जी बिल्कुल, पहले जो है ना मैं कहीं और पे काम करता था, तो मैंने ये सोचा कि अपना काम होना चाहिए और ख़ुद का काम होना चाहिए। तो पहले मैं कहीं और किसी के साथ काम करता था, तो फिर मैंने सोचा कि अपना ज़ाती होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपके सामने अब। तो अच्छा, बिरयानी वगैरह खुद बना के लाते हैं या घर में सेटअप मतलब डिफरेंट वर्कर्स के रखे हुए हैं? नहीं, फ़िलहाल तो खुद ही बना रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या रहती है, कब आते हैं और कब जाते हैं? टाइमिंग ये है कि मैं सुबह तकरीबन 8-10 बजे तक करीब इधर आ जाता हूँ, और जाने का टाइम ये है कि बेसिकली तो 4 बज जाते हैं, लेकिन जब ख़त्म हो जाते चले जाते हैं। तो कस्टमर वगैरह का क्या रूटीन है यहाँ पे? कस्टमर वगैरह ज़ाहिर पसंद करते हैं, तो हमें भी रिकमेंडेड है कि आपकी वीडियो बनाएं, तो कस्टमर वगैरह क्या रिव्यू रह जाते हैं? कस्टमर वगैरह मेरी मतलब कि होता तो यही है कि कस्टमर वापस ना जाए, लेकिन वो जो है ना अगर जल्दी ख़त्म हो तो कस्टमर को माजत करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या प्राइस क्या रही थी यहाँ पे बिरयानी का? प्राइस ये है कि फुल के 170 के और हाफ के 120 है। जी, तो यहाँ पे और क्या क्या आप सर्व करते हैं बिरयानी के साथ? केली बिरयानी होती है या कोई और भी चार्ज? साथ सलाद भी वगैरह भी होता है और रायता भी होता है, वो फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। जी, तो ये हमें लोकेशन बता दें यहाँ पे आपकी शॉप। ये लोकेशन है फ्री टाउन में पुलिस स्टेशन के सामने, बिल्कुल सामने यहाँ पे खड़े होते हैं। जी ठीक है, और हफ्ते में कोई छुट्टी वगैरह भी करते हैं कि नहीं? हफ्ते में कभी कभार वगैरह छुट्टी हो जाती है, लेकिन बेसिकली रेगुलर मतलब के आ रहे हैं इधर। तो हमारे लिए भी एक प्लेट लगाइएगा, हम भी कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कैसी आप बिरयानी दिखाते हैं बनाते हैं, और कस्टमर को भी दिखाएंगे। जी ज़रूर। तो गाइज हमारी अभी यहाँ पे प्लेट बिरयानी की लगेगी, देखते हैं कितनी मज़ेदार भाई बनाते हैं। एकदम से फुल भर के यहाँ पे पतीला इन्होंने बुलाया हुआ है, देख ले इतना बड़ा यहाँ पे सेटअप लगाया है, देखें एकदम से फुली लोडेड करते हैं और देखने में कितनी कलरफुल है। ये चला गया, हमारी बिरयानी की प्लेट लग रही है, ये देख ये जा रहे हैं, एकदम से अलग से रेसिपी भाई की है, ये देखें एकदम से चिकन वगैरह डालकर और ये बनाते हैं। ये हमारी प्लेट लग रही है यानी कि ये ऊपर से आ गया प्याज और कोकम्बर का, ये रायता सलाद हमारा हो रहा है, और ये आ गई हमारी पुदीने की चटनी, ये चलेगी पुदीने की चटनी। ये हमारी प्लेट बिरयानी की लग चुकी है यहाँ पे। तो ये इसकी प्राइस कितनी रही थी? इसकी प्राइस 170 की। 170। ये हमारी बिरयानी की प्लेट लग चुकी है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइज अभी हमने यहाँ पे अपनी प्लेट बिरयानी की यहाँ पे लगा रही है, तो आप देखते थे यहाँ पे एकदम से फुल चिकन यहाँ पे आ गया है, और साथ में उन्होंने रायता सलाद हमें दिया, एकदम से कलरफुल बिरयानी हो गई है। तो अभी हम इसको कर लेते टेस्ट और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। साथ में इन्होंने पुदीने की चटनी दी है, थोड़ी सी पुदीने की चटनी डालते हैं, इसको करते हैं टेस्ट। वाह, मज़ा आ गया इसका, एकदम से मसाला मार के बिरयानी भी यहाँ पे लगाते हैं, इससे अच्छी बिरयानी मैंने खाई नहीं अभी तक, एकदम से अलग से टेस्ट है। तो गाइस अगर प्राइस की बात कर लें तो ये आपको मिलेगी सिर्फ 170 में, और लोकेशन आपको बता दूँ साहिवाल में फ्री टाउन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने ये बिरयानी वाले खड़े होते हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा इस जैसी बिरयानी ज़रूर टेस्ट करें एकदम। इसको जल्दी से मैं फिनिश कर लेता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।